हमारे भारत में एक रीत है अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमानों को भगवान समान मानना। पर वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना जानते हैं, उनके लिए कोई रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। ऐसा ही हुआ भारत घूमने आई महिला के साथ। दरअसल महिला अपने पति के साथ झारखंड के दुमका पहुंची थी और उस महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। करीबन 8 से 10 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपने इलाज के लिए स्वयं अपने पति के साथ बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचती है। पीड़िता को डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती किया है। जानकारी के अनुसार यह मामला हंसडीहा थाना क्षेत्र से कुरुमाहट का है। यहाँ स्पेन की रहने वाली महिला घूमने पहुंची थी। घटना बीते शुक्रवार रात की बताई जा रही है। महिला के साथ उसका पति भी था। सभी लोग बाइक से भागलपुर की ओर निकले थे। विदेश से पति पत्नी टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आए थे। ये लोग स्पेन से पहले पाकिस्तान गए, इसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश होते हुए झारखंड के दुमका में पहुंचे थे। यहाँ ये लोग दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव में टेंट लगाकर रुके हुए थे। झारखंड से स्पेन की महिला को नेपाल जाना था। महिला जब टेंट में थी उसी दौरान करीबन 8 से 10 लोग वहां पहुंचे और महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता विदेशी महिला को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ दुमका सदर अस्पताल लाया गया। पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक चलाते हुए दुमका अस्पताल पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। विदेशी महिला से गैंगरेप मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में भी सवाल उठाए हैं। हंगामे के बीच सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार में महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। अविलंबन SIT का गठन कर दोषियों की गिरफ्तारी हो और स्पेनिश महिला को हर संभव सहायता पहुँचाई जाए। प्रतुल ने कहा कि इस घटना की गूंज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी सुनाई देगी। प्रतुल ने कहा इस घटना ने राज्य सरकार की विधि व्यवस्था की पोल खोल दी है और ये राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। राज्य सरकार को अविलंबन कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। स्पेनिश महिला से दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक अनंत ओझा का कहना है कि यह घटना प्रदेश पर एक धब्बा है। यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, यहाँ विदेशी भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है।